साग्रजातं सहगना रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमोऽयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्ते भक्ति श्रीरूपसिद्ध्यान्ति प्रभवे श्री महात्मने नमोऽयं विष्णुपादाय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष अवदार्य माधुर्य गुणैः युक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नमोऽयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवार्ति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वश्रितानं च पालिने जीवदुखे सदत्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीभार्गवानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण सम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल परमार्थ श्रीरूपानुग भक्तिर श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते विनतारिणे श्रीरूपानुगविरुधाप सिद्धान्तदन्तहारिणे नमो गौरवीश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाये नमः नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दाय गौरशक्ति रहे नागना महा
Thank you.
Oh, God.
शुद्धांदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द प्रियद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद ब्रह्मा नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सद श्री 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 माधव भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद ब्रह्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गत कल्या श्रवण कर रहे थे जब श्री अजामिल ने नारायण जो उन्हें ये चार अखर उच्चारण की और एक तरफ में तीन जमदूत आए। बोले तीन जमदूत क्यों आए थे? तीन तरह से पाप किए थे, काय मन और वाक्य। हम जो कुछ करते हैं ये तीनों के द्वारा करते हैं, इसलिए तीन जमदूत आए। और चार विष्णुदूत क्यों आए? क्योंकि भगवान के नाम में चार अक्षर थे, नारायण, इसलिए उन्होंने चार अक्षर है। इसलिए इधर चार जमदूत आए, विष्णुदूत आए और दोनों में घमासान शास्त्र चुक्ति तर्क होने लग गया। जमदूत कहते हैं हम इसको ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हैं हम इसको रक्षा करेंगे। इसलिए कल हम इसी विषय को लेकर के बात कर रहे थे। तब विष्णुदूतों ने जमदूतों को विभिन्न शास्त्रों से श्लोकों को बोल करके उनको प्रमाण दे रहे हैं भगवान का नाम अगर किसी तरह से कोई उच्चारण करता है, जब उसने केवल बेटा का केवल नामकरण कर दिया था कहते उसको जन्म प्रायश्चित हो गए छिलो, इसलिए कहते एक जन्म नहीं, उसने जो नारायण नाम उच्चारण किया बोले करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पाप है वो सब के सब प्रायश्चित हो गया था। हैं केवल इतना नहीं, प्रायश्चित नहीं, कहते मोक्ष प्राप्ति का उपाय परम मंगल नाम को द्वारा ही मोक्ष का भी कारण हो गया था। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान का नाम में कितने महिमा, कौन सा शास्त्र में नाम की क्या क्या महिमा बताए। बोले इतने ए वही अघोन अस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम जदा नारायण इति जगाद चतुराक्षरम। यहाँ पर कहते हैं जब उसने पहले जब उन्होंने अपना बेटे को, जैसे कोई बेटे को होता है ना, हम बोलते बेटा नारायण इधर आ जा, हैं बेटा नारायण इधर आ जा, वत्स नारायण शीघ्र जल्दी जल्दी इधर आओ। इसलिए जिस समय उसने ये चार अक्षर नारायण ना, जब उसने ये चार अक्षर उच्चारण किया है, कहते नाम उच्चारण करने का साथ साथ उसको क्या हो गया, कहते उसको अशेष अशेष जन्म जन्मांतर का जो पाप है नष्ट नहीं हो गया था, नष्ट तो हो गया, उसको साथ साथ उसको प्रायश्चित भी हो गया था केवल नारायण नाम से। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रधारी कहते हैं यदि बोले प्रायश्चित जन नाम है नहीं, अगर वो प्रश्न कर सकते हैं उसने जो नारायण नाम लिया वो थोड़ी प्रायश्चित के लिए थोड़ी नाम लिया था, हैं वो जब हमको देखा
हम तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए, वो हमारे डर से उसने क्या किया, बेटा नारायण, वो तभी उसने नारायण का नाम तभी लिया है। इसलिए तुम्हारा तब उसी समय में फिर विष्णु दूत उतर देते हैं, कहते बहिर्मुख, बहिर्मुख जानता हूँ जो भक्ति से संपूर्ण उल्टा चलने वाले, इसलिए जमदूत हो गए तुम लोग बहिर्लोक बहिर्मुख है, तुम लोगों को नाम का जो तत्व है तुमको ये पता नहीं है। कहते इतने एव, इतने नैव मतलब निश्चित रूप में जब उसने नाम उच्चारण फले ही क्या किया, बोले अघोन, अघोन मतलब होता है यही पापी प्रायश्चित हो, केवल पाप नष्ट हो गया इतना नहीं, सारे पाप का प्रायश्चित भी हो गया है। लेकिन जिस समय उसने पुत्र का नाम लेकर के बीच बीच में जैसे बेटा हो जाता है ना, हम बोलते हैं बोले बेटा नारायण इधर आ जा बेटा है, कभी मैया कहती बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा, बोलते ना बेटा नारायण गोद में आ जा है। जब ऐसे उन्होंने बारंबार बारंबार भगवान की नाम लेते हैं, बेटा का नाम लेते हैं, कहते ए रूप अपभ्रंश भाषाते हो तत्काल पाप प्रायश्चित हो या छे, जिस समय उसने ऐसे नाम उच्चारण कर रहे थे उसी समय में उसका सारे पाप नष्ट हो गया था है। कहते ये कहते नारायण, ये चार अक्षर है, बोले चार अक्षर की बात छोड़ दो, अगर किसी ने केवल नारा अगर ये केवल दो अक्षर बोल देना उससे सारे पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन उसने तो दो अक्षर नहीं, उसने कितना अक्षर बोला, नारायण, उसने चार अक्षर बोल दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया नारायण बोल करके बहुत बड़ा काम कर दिया। तब फिर यहाँ शास्त्र से श्लोक को उदाहरण देते हैं, बोले तेनम सुराप मित्र ध्रुव ब्रह्मा गुरु तल्पग स्त्री राज पितृगोहंत्या जे चपातो किने नर। कहते बड़े से बड़े पाप हैं, कहते जो शराब पीने वाले, इसलिए जो ब्राह्मणों को हत्या करने वाले और गुरु पत्नी गामिनी स्त्री हैं, कहते पितृ हत्या गो हत्या, ये जितने सारे पाप है ना, कहते अगर किसी ने भगवान का नाम लेता है, कहते भगवत नाम से बड़े पाप भी कहते सब के सब नष्ट हो जाता है, केवल ठाकुर जी की नाम से। भगवत प्राय से जा प्रभु नाम करे प्रभु, कहते क्यों ऐसे के बोले सर्वेशाम अपि अघ बताम मीदम एवं सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु जतस्तद विषयामति। यहाँ पर कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, हैं क्या होता है भगवत नाम उच्चारण करने से, कहते भगवत नाम उच्चारण करने से प्रायश्चित भी हो जाता है, और कहते जो लोग प्रभु का नाम ग्रहण करते प्रभु क्या चिंता करते हैं, कहते ये लोग मेरे आदमी, भगवान सोच लेते ये मेरा लोग है, ये मेरा लोग है। इस जगत में देखना कोई नेता पिता के अगर कोई जयकार देते स्लोगान देते लेता क्या समझते, ये हमारी अपना व्यक्ति, इसलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है कहते भगवान सोचते ये मेरे अपना जन है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, भगवान ये सोचने लग जाते हैं। इसलिए बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कि जिस समय ये विश्वनाथ कुटा उसको भी टीका लिखते हैं, कि जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया, जब उसने केवल अपना बेटा का नाम नारायण जैसे नाम संस्कार होता है ना, उस समय जब नारायण नाम रख दिया, जितना बार पुत्रों को उन्होंने आह्वान किया है, प्रथमतः पाप समुदेर प्रसम गया छे अन्य नाम चर भक्ति, इसलिए से बारंबार बारंबार जैसे भगवान ने नाम पहले जो नाम कर दिया तो पाप नष्ट हो गया, लेकिन जो बारंबार हम बेटे को बुलाते हैं बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा कृष्ण 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 बारंबार बुलाते हैं, उसको द्वारा क्या हो जाता है, कहते एक तरह का साधन हो जाता है, जैसे माला में हम नाम करते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, कहते ये साधन हो जाता है, ये साधन
लेकिन पहले जब नाम कर्ण कर दिया उसका पाप नष्ट हो गया। देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति, इसलिए आप पहले पहले लोगों को देखो ये सब कथा सुनते ना लोग पहले सब कथा सुनते थे, हाँ भैया अपना बेटा का नाम लेकर उधार हो गया, इसलिए पहले सब बेटा बेटी का नाम क्या कौन सा नाम पर रखते थे, सब ठाकुर का नाम पर, सारे ठाकुर का नाम जानते हैं, कम से कम मुँह से भगवान का नाम निकल करके मेरा तो उद्धार हो जाए, कल्याण तो हो जाएगा है। सब लड़कियों का नाम भी सब ठाकुर का नाम पर धरा करते थे, इसलिए ये सब काम पहले करते थे। लेकिन ये अंग्रेजी संस्कृति आ गई ना, अभी कोई कहते सब पुराना नाम है कृष्ण राम नारायण। मैंने कहीं गया था उसने बोले हमारा बेटा का ये अखर कोई नाम रख दो, मैंने कोशिश किया भगवान का नाम, बोले बहुत बड़ा हो रहा है ना नारायण व कृष्ण बहुत बड़ा हो रहा है, एकदम सटकट नाम रखो। और जैसे अभी का जो जगत है हैं वो इसी हिसाब से नाम रखना चाहते, बोले भैया फिर तो तुम देख लो जैसे रखना तो रख लो, लेकिन हम तो देंगे ठाकुर जी की नाम के ऊपर ही नाम दे सकते, तुम जो रखना तुम रख लो। लोग अभी ठाकुर का नाम भी उच्चारण, क्योंकि पापी है ना, जो पुण्यात्मा हुआ तो उसको कहते ना पूर्व जन्म में जो 7 जन्म तक जिसने भगवान की अर्चना पूजा करके आया तभी तो वही प्रभु का नाम लेगा ना, जब जिसको पूर्व जन्म का सारे पाप खत्म हो गया वो तो पापी है, कैसे प्रभु का नाम कैसे निकालेंगे, उसको मुंह से निकलेगा नहीं प्रभु का नाम। इसलिए कहते इतना तब विष्णु दूतों ने बताया, बोले देखो जो भगवान का नाम है वो 4 तरह से भगवान का नाम कल्याण करते हैं। बोले सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभ महलन नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम दितु। बोले 4 तरह से कैसे कैसे कल्याण कर, बोले सांकेत्यम संकेत के द्वारा प्रभु का नाम कल्याण करते हैं। तब विश्वनाथ कुटर यहाँ पर कहते हैं बोले कैसे संकेत के द्वारा कैसे है, आप कौमुदी को संकेत जैसे अपना बेटा का नाम उसने रख दिया ठाकुर का नाम, इसको संकेत कहते हैं, इशारा करके नाम करते, जो इशारा करके बेटा कृष्णा आ जा, बेटा नारायण आ जा, बेटा दामोदर आ जा, बेटा केशव आ जा है, इसको कहते हैं संकेत्यम। अगर इसको द्वारा भी भगवान का नाम कल्याण करता है, इसका जो नाम उच्चारण हुआ संकेत के द्वारा, इसका नाम संकेत के द्वारा इसका नाम उच्चारण हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहते यहाँ पर कौमुदी को बोलते चंद संकेत्यम, कहते भगवत नाम को द्वारा तो कल्याण हो ही जाते हैं, लेकिन इस संकेत के द्वारा भी प्रभु का नाम उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर हमारे एक गुरुवर्ग थे वो भक्ति कुमद संत गोस्वामी महाराज, ये कथा सुनाते थे, बोले एक समय जंगल में 5 चोर रहते थे। पहले तो सब लोग जंगल देख कर जाना पड़ता था एक जगह से दूसरे जगह, पहले तो जंगली जंगल था, वो 5 जो चोर ना अलग अलग जगह पर सब खड़े हो जाते थे। जब पहला जो व्यक्ति जब देखता था कोई व्यक्ति आ रहा है, वो दूसरे व्यक्ति का आवाज नारायण नारायण, वो तो भगवान का नाम ले रहे हैं। वो व्यक्ति जो आ रहा है सोचा भैया अच्छा हो गया रास्ता में कोई भक्त आदमी मिल गया है, लेकिन वो बोलता नारायण मतलब क्या, नर मतलब इंसान, आयन मतलब ए सावधान हो जा एक व्यक्ति आ रहा है, नारायण नर मतलब नर, आयन मतलब आ रहा है, वो कह रहा है सावधान कर रहा है एक व्यक्ति आ रहा है सावधान हो जा। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचता था भैया अच्छा हो गया रास्ता में कोई भगत आदमी ठाकुर का नाम लेते हुए मिल गया। लेकिन जब थोड़ी सी आगे जाते हैं ना फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है क्या बोलता है, बोले गोपाल 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 मतलब जो गैया को जो पालन करने वाले हैं, जो गैया को अक्सर जो पालन करते हैं ना उसका बुद्धि से काम होते हैं। बोले लगता है ये आदमी बहुत ज्यादा भोला वाला आदमी, इतना चालाक चतुर नहीं, चोरी करने में बढ़िया होगा है। और व्यक्ति था गोपाल गोपाल है ये गैया को पालन करने वाले, मतलब इसको थोड़ी सी बुद्धि कम है, ये इतना चतुर नहीं, माल चोरी करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए गोपाल गोपाल। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति को पास में पहुंचता था बोले दामोदर दामोदर, वो देखते हैं ना इसके पास में माल चोरी है कि नहीं, कुछ पैसा वैसा है कि नहीं है। पहले तो ATM कार्ड नहीं होता था, जो पैसा होता था उसको साथ में लेकर जाना पड़ता था है, देखते थे इसको सब माल चोरी है कि नहीं, बोले दामोदर दामोदर है? भगवान मैया ने कृष्ण को बांध दिया, इसलिए दाम मतलब रजू, उधर मतलब कमर में बांध दी थी, इसलिए ठाकुर का नाम दामोदर।
दाम मतलब क्या, चमड़ी दमड़ी कहते हैं ना, चमड़ी दमड़ी, दाम मतलब होता है पैसा, उधर मतलब कमर, ए इसका पास माल है नहीं, ले दाम उधर दाम। अब जो चौथा व्यक्ति के पास में पहुंचता था, ए बोलता था वासुदेव वासुदेव, कृष्ण वसुदेव का बेटा इसलिए वासुदेव, वो बोलता था वासुदेव बांस लाओ पिटाई करना, बांस लाओ उसको पिटाई करो इसको। हाँ, जो पचवा व्यक्ति के पास बोले हरी हरी सब हड़प लो, इतना माल सब के सब हड़प लो। कहती है पांच व्यक्ति ऐसे ही संकेत इशारा करते हुए वो चोरी करते थे, जब ऐसे ऐसे बोल देते ना, है नारायण गोपाल दामोदर हरी, इतने में वज्र गिरा, बारिश का समय था, वज्रपात हुई तो वज्र गिरने पर वो पांच के पांच वहीं पर खत्म हो गए। लेकिन अंतिम समय में किसका नाम ले रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, इसलिए क्या हुआ इनकी उधार, ठाकुर जी को उधार कर दिया। और जिस बच्चे को इसको सांकेत्यम इशारा करके जो नाम है, बोले सांकेत्यम कहते पारिहास्यम, कहते पारिहास्यम मतलब होता है परिहास करते हुए, हैं परिहास करके अगर कोई नाम लेता है तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं प्रीति, यहाँ पर जो परिहास मतलब है प्रीति पूर्वक, अनादर पूर्वक नहीं, प्रीति पूर्वक जो परिहास करते हैं, बोले जैसे निंदा जनक नहीं, ये निंदा जैसे नहीं, जैसे उदाहरण देते हैं कहते हे प्रभु आपका नाम तो जगत में बड़ा विश्व विख्यात आपका नाम है, आपका कीर्ति तो विश्व ब्रह्मांड में फैल रहा है कृष्ण नाम, लेकिन हाँ कीर्ति, लेकिन मैंने देखा है, बोले क्या देखा है, तुम्हारा नाम तो सारा दुनिया को उद्धार करने वाले, सारी दुनिया में नाम की बड़ी महिमा, लेकिन प्रभु आपका नाम मेरे को उद्धार नहीं कर पाए, मेरे को आपका नाम उद्धार नहीं कर पाए, आप तो दुनिया को उद्धार कर रहे हो लेकिन प्रभु तुम्हारा नाम मेरे को तो उद्धार, परिहास करते हुए प्रीतिपूर्वक, निंदा जनक नहीं प्रीतिपूर्वक, अगर कोई ऐसे बोले परिहास पूर्वक बोले तो उसको द्वारा भी जीव का कल्याण हो जाता है, हैं कल्याण हो जाता है। इसलिए वो उदाहरण देते हैं ना, जो गदाधर दास महापुरुष का भक्त गदाधर दास, एक गदाधर पंडित हुए जो राधा रानी, हम कहते ना श्री अद्वैत गदाधर, ये कौन है गदाधर, ये पंडित है राधा रानी, एक गदाधर दास हुए, ये एक गोपी है। जब महाप्रभु आए सबको उन्होंने उद्धार किया महाप्रभु, लेकिन ये काजी पाजी बाकी रह गया, ये प्रभु का नाम ले रह रहा था, ए इतने में पहुंच गया सबरे, बोले काजी सारा दुनिया महाप्रभु सबको उद्धार किया, अभी तेरा उद्धार नहीं हुआ, अभी तक भी तू कृष्ण नाम ले, निकाल तू निकाल घर से, ऐसे जाकर पहुंच गए, भगवान की भक्त है ना बड़ा साहसी, बोले निकाल भगवान का नाम ले बोल कृष्णा, बोले आज नहीं कल कृष्ण, कल कृष्ण में कल बोलूंगा, बोले कल की आज तो बोल ही दिया, तेरा आज ही उद्धार हो गया, हाँ आज तुम्हारी उद्धार हो गया है। इसलिए कहते परिहास पूर्वक अगर भगवान के नाम कोई ग्रहण करे तो उसका भी कल्याण हो जाते हैं। इसलिए एक वैष्णव, हम कथा सुनाते ना कि दो भाई जो भजन करते थे, एक भाई भजन करता था एक भाई भजन नहीं करता था, जो भजन करता है उसने सोचा छोटा भाई भी भजन करे, हम दोनों एक घर में रहते हैं, बोले गुरु जी को निमंत्रण देंगे, बोले गुरु जी को पहले ही बोल दिया, बोले गुरु जी छोटे भाई को थोड़ी ऐसी कथा सुनाना, वो भी प्रभु की भजन में आ जाए, दोनों एक घर में रहते दोनों भजन करेंगे तो बढ़िया होगा, बोले ठीक है। उसको पता चला इसने गुरु जी को बुलाया, सत्संग कराएंगे, गुरु जी आकर हमें समझाएंगे, बोले मैं सत्संग में बैठूंगा तभी तो समझाएंगे, जब तक गुरु जी आ रहे ना बाथरूम में चला गया, अंदर से कुंडी बंद कर दिया, बोले बैठना नहीं, गुरु जी आए कीर्तन किया हरिकथा सुनाए, लेकिन जिसके लिए आए थे वो घर से निकला नहीं। लेकिन जब गुरु जी जा रहे थे फिर उन्होंने दरवाजा खटखटा, बोले बेटा घर निकल जा, बोले मैं दरवाजा नहीं खोल, बोले बेटा घर तो निकल ही जा, बड़े कष्ट से निकला। इतने में गुरु जी हाथ पकड़ लिए, बोले एक बार तो कृष्ण तो बोल, केवल एक बार कृष्ण बोल दे, हैं बोले कृष्ण नहीं बोलता, कृष्णा नहीं बोलता, बोले कृष्ण तो बोल दिया नहीं बोलता क्या, तेरा उद्धार हो गया। लेकिन ये नाम को बेचना नहीं, बेचना समझते है ना, हम कहते हैं ना हम ये चीज दे करके दूसरी चीज ले रहे, इसलिए नाम को अगर नहीं बेचोगे तो क्या होगा, नाम से तुम्हारी एक कृष्ण नाम से उद्धार होगा। बोले ठीक है गुरुदेव। मरने के बाद जमदूत ले गए, बोले इसका कापी खोलो, चित्रगुप्त को बोले, बोले इतने कोई तो पुण्य नहीं किया, बोले कोई तो कुछ तो किया होगा, बोले हाँ एक ही पुण्य किया है, गुरु जी की मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुन करके उन्होंने कृष्ण नाम किया, क्योंकि गुरु जी एक तरह से गुरु जी से मंत्र ले लिया है, गुरु जी पहले बोले ना उसको बाद में उसने बोला,
और गुरु जी उनकी शुद्ध भक्त थे, इस शुद्ध भक्त का मुंह से कृष्ण नाम लिया। और गुरु जी इसको बोला था, अगर ये नाम को तू बेचेगा नहीं तो इससे तुम्हारे उद्धार हो जाएंगे। बोले भैया बताओ, तू पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे, उसको याद आया। गुरु जी बोले बेचना नहीं, मैं तो बेचा ही नहीं, एक कृष्ण नाम गुरु जी बोले थे उद्धार होगा। बोले भैया एक कृष्ण नाम का फल दे दे, एक कृष्ण नाम का फल दे दे। इतने में जब महाराज सोचने लग गए, एक कृष्ण नाम का फल क्या है, तो उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढते ढूंढते क्या श्लोक मिला, बोले नाम नहीं जावती शक्ति पाप निर्भव हरि हरि तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकिम नरम। इस श्लोक में कह रहे हैं, इस श्लोक सब याद कर लेना, कहते एक कृष्ण नाम यह तो पाप हरे, ले एक कृष्ण नाम से जितना पाप नष्ट हो जाता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके हैं। एक कृष्ण नाम जत पाप हरे, पापी का साध्य नहीं तब तो पाप करे, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है। इतने कृष्ण नाम की महिमा अभी तो देख करके जब महाराज चक्कर में पड़ गए, बोले इतने महिमा, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर गुरु जी ने बताया एक कृष्ण नाम से उद्धार होगा, तब उन्होंने जब महाराज का दिमाग काम ही नहीं किया, बोले भैया मैं तो विचार नहीं कर सकता, भगवान का शुद्ध भक्त से नाम सुनकर नाम करे इसका तो महिमा अपार है। बोले भैया मेरा दिमाग तो काम नहीं कर, चलो ब्रह्मा जी को बोले चल करके नहीं जाऊंगा, पालकी में ले चला भाई, पालकी में गए उसको बैठा है चित्रगुप्त, जब स्वयं लेकर के ब्रह्मा लोक में ले जा रहे। ब्रह्मा दूर से देखा, बोले भैया ये महात्मा कौन है जिसको चित्रगुप्त जब स्वयं कंधे पर ला रहे हैं, तो कोई विशेष व्यक्ति होगा। उनने आरती की थाला लेकर के उनको स्वागत करने के लिए आरती थाला लेकर प्रस्तुत है, जो वहां पहुंचे बोले भैया ये महात्मा कौन है जिसको अब स्वयं कंधे पर लाए। बोले महात्मा नहीं, ये पापात्मा है। बोले ये फिर कंधे में क्यों लाए, बोले फंसा दिया हमें। गुरु जी बोले एक कृष्ण नाम से उद्धार होगा, बोल रहा है एक कृष्ण नाम का फल दो, हम सारे शास्त्र ढूंढ लिया, एक ही बात मिला, हरि से बड़ा हरि का नाम है। बोले आप ही बताओ, आप तो पितामह ब्रह्मा आदि गुरु, ब्रह्मा भी सारे शास्त्र को ढूंढे, हर शास्त्र जो ढूंढे हर शास्त्र में एक ही बात कहते हैं क्या, बोले मधुरम मधुरम मेतद मंगलांग मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीत स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हलया भृगुवर नर मात्र तारेते कृष्ण नाम। जो कृष्ण नाम इतनी इतने शक्ति, ये मीठे से भी मीठे मधुर से भी मधुर, एक बार भी किसी तरह से प्रभु का नाम उच्चारण हो जाए क्या होता है, अशेष अघहरम विदु, जन्म जन्मांतर का पाप को कृष्ण नाम नष्ट कर देता है। और शास्त्र में इतने प्रमाण है, नाम चिंतामणि कृष्ण, कितने प्रमाण शास्त्र में दिया, सपच अभी महिमा चंडाल होकर भी कोई अगर प्रभु का नाम ग्रहण करता है, उन्होंने देखा नाम कितने महिमा। भैया ब्रह्म का चार सर भी काम नहीं किया, बोले भैया एक काम करो शंकर जी के पास में चलते हैं, क्योंकि उनका पांच सर है और वैष्णव नाम जता संभव वैष्णव अग्रगण। बोले चलो शंकर, बोले चल करे कि नहीं कंधे पर ले जाना पड़ेगा, ब्रह्मा भी कंधे लगाए। तीनों जब जा रहे थे, शंकर पार्वती देखा दूर से, बोले ये कौन इतना बड़ा संत आ रहे महात्मा जिनको ये तीनों कंधे पर ला रहे, वो भी आरती की थाला लेकर प्रस्तुत रहे। जब वहां पर लेकर पहुंचे, बोले ये पुण्यात्मा कौन है जो आप भी कंधे पर लाए हो पितामह ब्रह्मा जी। बोले ये पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा। बोले क्यों लाए, बोले फंसाया बीच में हमें है। बोला इसका क्या फल किया, गुरु जी के मुंह से उन्होंने सुने गुरु जी बोले उद्धार होगा, वो फल मांगता है। शंकर भी ढूंढे शास्त्र में इस विषय में क्या बोलता है, शंकर जी को भी एक ही बात मिला, ठाकुर जी के नाम में सकृत उच्चारितम जेन हरि इति अक्षर द्वयम, एक बार भी हरि अगर किसकी मुंह से ये दो अक्षर अगर निकल गया तो बोले बद्ध परिकर स्तेन मुखाय गमनम प्रति, मुक्ति के कारण बन जाते हैं, हैं? मुक्ति के कारण बन जाते हैं। सारे शास्त्र में उन्होंने जो एक ही अहोबत सपोच अतगरिया चंडाल होकर की है, इसलिए अगर प्रभु का सकृत उच्चारण है, बोले जीवाग्रे जीवा के अग्रदेश में अगर किसी को उच्चारण हो गया तो उसकी कल्याण हो जाता है। अभी उनको भी सब एक ही बात मिला, शंकर का दिमाग भी काम नहीं किया। बोले क्या किया जाए, बोले जिसका नाम उनके पास पहुंचा, बोले भैया चलो, बोले ऐसे नहीं कंधे पर लेना पड़ेगा, शंकर भी कंधे लेगा। ये चार लेकर के जब पहुंचे वैकुंठ में,
भगवान बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा इतने बड़े बड़े संत मेरे भक्त कंधे पर ला रहे, जरूर ये कही बहुत बड़े पुण्यात्मा होगा। तो उन्हें बोले भी पुण्यात्मा कौन है जिसको आप कंधे पर लाए हो? बोले ठाकुर जी ये पुण्यात्मा नहीं है, पापात्मा है, हमें फंसाया बीच में है। बोले क्या? बोले ऐसे ऐसे बात है, आप बताओ एक कृष्ण नाम का क्या फल है जो शुद्ध साधु से सुन करके बोले? बोले उसको ले आ। जो ले आए ठाकुर जी उसको गोद में बैठा दिए, बोले इसका फल ये है एक शुद्ध वैष्णव से कृष्ण नाम सुन करके जो करेगा उसको स्वयं चित्रगुप्त, स्वयं जम, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शंकर को भी कांधे पर लेकर के पालक में लेकर के उसको मेरे गोलोक वृंदावन ले आना है। इतने इतने कृष्ण नाम के इतने कहते। ये जो कथा है ना हमारे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी कथा सुना है, एक दिन मथुरा में जब सुनाए उस समय हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज थे। बोले महाराज जी इतने बढ़िया सुंदर कथा कहाँ से सुने आप, कहाँ से बोले हो? हाँ इसलिए महाराज बोलते थे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज ने ये कथा को सुनाई, एक कृष्ण नाम में कितने शक्ति है। इसलिए कहते हैं परिहास पूर्वक भी कोई प्रभु का नाम को ग्रहण करते उसका भी कल्याण हो जाते हैं। बोले तीसरा नंबर, बोले स्तोभम। बोले स्तोभम मतलब क्या होता है? स्तोभम मतलब होता है गीता लापादी, जैसे गीत गाते समय जैसे हम भजन गीत गाते हैं ना, गीत की पाद पूर्ण के लिए जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं बोले हरि हरि कि मोर करम गति मंद है, उसमें जैसे हम गाते ना जय जसो मति नंदन ब्रज वरनागर गोकुल रंजन कान गोपी परा गोकुल रंजन कान कृष्ण कान कह रहे। लेकिन जब हम भजन गाते हैं ना, नाम तो जसोमति नंदन है, जसोदा की नंदन है, लेकिन भजन जसोमति ना खेच गया ना, ये खेच गया ये से। नाम तो जसोमति नंदन, लेकिन जब भजन गाते हैं लंबा हो जाता है ना, जय जसोमति नंदन ये खेच जाता ना, ब्रजवर नागर लेकिन खेच जाता है, ब्रजवर नागर गोकुल रंजन खेच गया, गोकुल रंजन कान मतलब कृष्ण के लिए कहते हैं कान। इसलिए कहते गीतालाप के समय में जैसे ये शब्द से खींच जाता है ना, कहते अगर ऐसे भी अगर प्रभु का नाम को ले ले उसको जरा भी कल्याण है। हम रोज गाते ना विभाव हरि चक बोलो हरि हरि, नाम तो हरी हरी है, बोलो हरी हरी मुकुंद, नाम तो मुकुंद है, मुकुंद मोरारी लंबा हो जाता ना। कहते अगर ऐसे भी अगर कोई प्रभु का नाम को ले ले तो उसको भी ठाकुर जी की कल्याण हो जाता है। स्तोभम। और जो चौथा है हेलाया, हेलाया उदाहरण देते हैं जैसे भगवान ने क्या किया, हेला हेला मतलब आसानी से है, जैसे कृष्ण हेला में ही गिरिराज को उठा लिया, हेला मतलब आसानी से, हेला मतलब होता है आसानी से, कृष्ण आसानी से ही उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। हेला मतलब होता है, हेला मतलब जातिया, उसका अर्थ होता है बिना जत्न के, जत्न राहिते मतलब आसानी से है, जत्न राहिते बिना जत्न के अगर प्रभु का नाम उच्चारण हो गया तुम्हारे मुंह से, बिना कारण के अगर प्रभु का नाम, बिना जत्न मतलब बिना कारण के अगर तुम्हारे मुंह से भी प्रभु का नाम निकल गया है, हैं कहते जैसे आहार भोजन करते समय, बिहार घूमते समय घूम रहे हो किस तरह से प्रभु का नाम निकल गया, भोजन करते करते किस तरह से ठाकुर का नाम तुम्हारे मुंह में निकल गया, बस सोते सोते जैसे हम सोते रहे उठते हरि हरि गुरुदेव ठाकुर जी हैं, ये सोते समय भी नाम निकल गया अवहेला मतलब अवहेला,
जब तक कृष्ण नाम यही व्यति ग्रहण करते छे, इसलिए अवहला के समय में हैं, बिना जतने के समय में जो उन्होंने नाम ग्रहण किया है हैं, फिर तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जतन पूर्वक नाम ले हैं, जतन पूर्वक कोई नाम एक प्रजतने वो ग्रहण करते समर्थ है ना, इसलिए कहते उसका कैसे कल्याण नहीं होगा। जेको न भावे हरि नाम क्या करता, अशेष अगहरम विदो है, किसी तरह से अगर प्रभु का नाम ले लेता है, ये जन्म जन्मांतर का जो पाप है, कहते अशेष मतलब क्या होता है, कहते अशेष पाप, अशेष मतलब होता है वासना तक भी जीव के अंदर में जो वासना हृदय में, ये वासना तक भी ये नाम क्या कर देता है, सब नष्ट कर देता है। ठाकुर का नाम सब, किसी तरह से प्रभु का नाम लो, जीव के कल्याण में जाते हैं। फिर और एक श्लोक है, ये श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है, ये श्लोक को याद कर लेना। बोले पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टस्ताप आहत हरि रीत्यवसेना हो पुना पुमान नाहर्ति जातना। देखो भगवान का नाम कितने तरह से कल्याण करता है। बोले पतितम, पतितम गिरते हुए कहीं ऊपर से हटा तो कहीं गिर गया, ठाकुर जी बोल देते ना, मुंह से नाम निकल जाता है, ठाकुर जी भगवान बोल देना, हटा दो, गिरते समय भी अगर तेरे गिर पड़े भगवान का नाम ले लिया, इसमें भी जीव का कल्याण। बोले स्खलितम, स्खलितम मतलब से पैर हटाते स्लिप हो गया, जब स्लिप हो जाता है ओ ठाकुर जी, हम बोल देना ठाकुर जी क्या हो गया, हाँ बोल देते ना कृष्ण कृष्ण क्या हो गया, पैर जब केवल फिसल गया। बोले भग्नम, हठात तुम कोई मार दिया, हठात तुम्हारे हाथ तोड़ दिया, तुम तभी भाग, ये ठाकुर जी क्या हो गया, बोले ना भगवान क्या हो गया, हाथ टूट गया ठाकुर जी, हाँ किसी ने अगर कोई भग्न तोड़ते समय कहते संदष्टस्तप आहत स्खलितम, संदष्टस्तप आहत, अगर कोई सर्प अगर तुमको दर्शन कर दिया, वो सांप तुमने काट दिया, हाँ ठाकुर हटा सांप को काट दिया, भगवान क्या हो गया, सांप ने काट दिया। अगर उसी समय भी अगर कोई भगवान का नाम ले लिया तो बोले आहत, आहत मतलब होता है हैं, कहते अगर तुमको कोई हठात मार दिया, हाँ पीट दिया, बोले ठाकुर जी बचाओ, ठाकुर जी बचाओ, ठाकुर जी, अगर उसी समय में भी प्रभु का नाम ले लिया हैं, कहते आहत, कहते ज्वरादि जैसे रोग में पड़े हुए हो, ठाकुर जी कितना बीमारी है, ठाकुर जी कब सही होगा, हे भगवान हाँ ये बुखार सही हो जाए ठाकुर जी, बुखार ज्वर मतलब होता है बुखार है, उसी समय भी अगर कोई ठाकुर का नाम ले रहे हैं, भगवान को बुला रहे, इससे भी कल्याण हो जाता है रोगे पीड़ित। इसलिए दंडादि द्वारा आहत अवसनाभी, कत हरि इति अवसनाभी हैं, अवस अवस है ओ हरि बोले, इसलिए अवस मतलब अवस उसे हिंदी में क्या बोलेगा, अब से जैसे कोई हमको पकड़ लिया, अरे नहीं है अवस अवस्था में भी, तुम्हारी बस में नहीं, इसलिए जैसे किसी ने तुमको पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो तुम छुड़ा नहीं पा रहे, बोले ठाकुर जी हाँ विवश, हाँ जिसको विवश कहते हैं, विवश अवस्था में भी समर्थ, तुम्हारी कोई पकड़ लिया तुम पकड़ तो अपना को छुटा नहीं पाते, विवश अवस्था में भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है, हरि नाम अगर लेगा तो नरक है, तो वो कभी भी पुमा नाहरती जातना, वो कभी नरक में नहीं जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, उस अजामिल ने क्या किया, लास्ट समय में भगवान का नाम, उसने लास्ट समय में भगवान का नाम लिया। इसलिए उदाहरण देते हैं, जैसे कि भूस का ढेर हो, है भूस का ढेर हो, नहीं तो रुई का ढेर हो, उसमें अगर आग की एक चिंगारी अगर लग जाए ना, क्या होगा, पूरा जला कर उसको राख बना देता है। क्या तो उसी तरह जो भगवान का जो नाम है, उसने जो अंतिम समय में जो प्रभु का नाम लिया, इसकी विशेष महिमा। अगर कोई बोले फिर तो हम जिंदगी भर पाप करेंगे, फिर अंतिम समय ना क्या करेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, ठाकुर का नाम लो, जिंदगी भर पाप करो, जब अजामिल का उद्धार हमारे भी उद्धार हो जाएगा, अरे नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं,
उसको बाई चांस कैसे बेटे का नाम नारायण रखा था और पहले सारे सदाचार संपन्न था, उन असद संग में पढ़ करके हैं दुष्ट संगत में पढ़ करके दुष्ट बदमाशी हो गया और कैसे भाग्य से इसका मुंह से नाम निकल गई है। इसलिए अक्सर करके साधारण व्यक्ति जो घर गृहस्थ जिंदगी भर करते ना भगवान का नाम नहीं लेते, अब देखना अंतिम जो सोता हुआ रहेगा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे, बोले एक समय कोई बूढ़ी माता जी लेट हुई थी अंतिम सज्जा में, दयार मैयार कर रही थी, गुरु जी को बुला करके ले गए, बोले गुरु जी थोड़ा इसको बोल दो, थोड़ा भगवान का नाम ले, ये है इसको थोड़ा कृपा करो। तो गुरु जी गए, बोले माता जी राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, इतने में बोले मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ, मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ, 10-12 अक्षर बोल दे, राम दो अक्षर नहीं निकला। लेकिन उसके जो पोते थे ना बड़ा चतुर थे, बोले किसी तरह से दादी का मुंह से नाम निकालना ठाकुर का, बोले दादी तू क्या नहीं बोल सकती हो, बोले ना मैं नहीं बोल सकती हूँ है, बोले दादी तू क्या नहीं बोल सकते, जो जो बुलवाना चाहते ना वही नहीं बोल सकते और दुनिया के सारे बात को। इसलिए कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत न, जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं आता। और जो सारा जीवन विषय भोग करेगा भजन नहीं करेगा, बोलेगा मरते समय प्रभु का नाम ले लेंगे हो जाएगा, उसका दूसरा अर्थ कहते। देखो इसमें गोस्वामी जी जो शब्द बोले ना बड़े मार्मिक शब्द, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं अंत राम कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। जो रील में भरा हुआ वही तो निकलेगा, रील में तो कचड़े भरे हुए तो निकलेगा कचड़े निकलेगा। इसलिए अंत राम कही, जब अंतिम समय में राम का नाम लिया फिर आप अपना संसार में आज आना नहीं पड़ेगा। अब देखना जो तबला सीखते हैं ना, बाकी जैसे पढ़ाई करते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, हाँ जो पढ़ाई करते हैं, 20-25 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है ना, 20-25 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ने का बाद फिर उसको पेपर देना पड़ता है, पेपर क्या एक दिन में कहीं पेपर दिया बस, एक दिन में 2-3 घंटा भी कहीं पेपर दिया उसको तो अगर पास हो गया ना बस नौकरी मिल गई। लेकिन वो पेपर देने के लिए कितना साल पढ़ाई करना पड़ा, 25 साल तक दिन रात बराबर करके जब पेपर आता है ना 15-20 घंटा पढ़ते हैं, कल अगर पेपर तो पूरा पुस्तक दिमाग में लेकर पूरा जाते हैं, इतने साल तक फिर जाकर 2-3 घंटा। जो तबला बजाते हैं जिनको ये होता है, जो तबला बजाते हैं उनका जो पास किया होता है ना, जो उनका जो कॉम्पिटिशन उनका जो टेस्ट होता है 5 मिनट ही है, केवल 5 मिनट उनका टेस्ट होता है, केवल 5 मिनट बढ़िया बजा करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसको 5 मिनट कल दिखाने के लिए अगर बढ़िया हो गया ना, मेरा कोई परिचित व्यक्ति था वो बोल रहा था, बोले महाराज जी हमको तो 5 साल लग गया, केवल 5 मिनट ट्रेनिंग देने के लिए पास करने के लिए 5 साल लग गया, 5 साल जब बजाया मैंने तो 5 मिनट में फिर मेरी नौकरी लग गई, 5 मिनट केवल उसने बजाया है बढ़िया बजा रहे, फिर उसकी नौकरी लग गई जयपुर में मेरी नौकरी लग। लेकिन उसके लिए मेरे को 5 साल हमें दिन रात बराबर करके हमें प्रैक्टिस करना पड़ा। कहते उसी तरह कहते मरण है जा मति सा गति, मरते समय जैसे मति होगा ना गति वैसे होगा, गति तुम्हारी वैसे होगी। इसलिए मरते समय हम भगवत स्मरण आ जाए, भगवान की याद आ जाए, उस समय कोई उल्टा पुल्टा कोई स्मरण नहीं आए। लेकिन भगवत स्मरण कब आएगा, जो तुम्हारी स्वभाव में जो चीज होगा ना, जो चीज तुम्हारी स्वभाव में पड़ा हुआ होगा अंतिम समय में वही याद आएगा। अब देख लेना अंतिम समय में वही याद आएगा, जिंदगी भर प्रभु का नाम कीर्तन भजन पूजा पाठ जिंदगी भर करोगे तो अंतिम समय क्या आएगा, जो करोगे तो वही तो याद आएगी ना, रील में जो भरा होगा वही आएगा, बस अंतिम समय प्रभु का स्मरण हो गया तो हो गया काम बन गया। हाँ उसके लिए क्या करना पड़ा, जिंदगी भर प्रभु भजन। हाँ और कभी कभी हम दिखाई पड़ते हैं विश्वनाथ चौटाल कहते हैं, कभी कभी हम ये देखते हैं क्या होता है, कोई व्यक्ति जिंदगी भर भजन साधन किया लेकिन अंतिम समय में एकदम बेहोश जैसे हो गए, उनको जैसे बेहोश जैसे हो गए, अभी उनको अंतिम समय में कभी कभी दिखाई पड़ता है भजन तो सारे भी किया लेकिन अंतिम समय में उसको कोई तबीयत खराब हो गया, बिस्तरा में लेट गए, उसको ये नहीं हो बेहोश होकर पड़ा हुआ, फिर वो व्यक्ति का क्या होगा, उसका क्या होगा। तब विश्वनाथ चौटाला भी कहते जो जिंदगी भर प्रभु का भजन भक्ति करते करते अगर सही सही आए ना, फिर ठाकुर जी को उनको सेवा करना पड़ेगा, भगवान को उसको सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सारा जीवन किया ना ठाकुर का, ठाकुर को उसने सारा जीवन दिया ठाकुर को,
अभी तो ठाकुर जी को भी उसको सेवा करना पड़ेगा। अगर अंतिम समय में अगर किसी तरह से मृत्यु भी हो उसको कभी अधोगति नहीं होगी। कोई बोलेगा नहीं अंतिम समय में होश नहीं था मर गए, नहीं, उसने जो भजन साधन किया है ना कितना दीन दीन बड़त सवाय, वो सबके सब जो सुकृति है इसको साथ में सारी सुकृति जाएगी। वो जो भक्ति सुकृति कभी नष्ट नहीं होगी, सुकृति जो करके जाएगा वो पूरा के पूरा अगले जीवन में वही स्मरण वही चिंतन वही सब के सब साथ में उसकी जाएगी। गौर ब्रह्मानंदे गुरु जी, जो हमने नाम के नाम को चार प्रकार से ले सकते हैं, ये नाम आखिर में चार प्रकार से ले सकते हैं, जीवन में कभी भी चार प्रकार से ले सकते हैं जब उत्काम करेगा कभी भी ले सकते हो, अंतिम समय भी ले सकते हो। जब उसने जीवन में एक बार ले लिया और अंतिम समय तो होने का ही नहीं, तो जो शुरू में लिया तो उस खाने की तरह तो वो तो याद रहने का नहीं उसे, तो उसका उद्धार कैसे होगा फिर? किसको याद नहीं है? उस जीव को ना। क्या भाई उसने हास्य में एक बार ले लिया, जैसे बच्चे नाम नारायण ले लिया, फिर पूरी जिंदगी नाम ले लिया, तो आखिर में हर आखिर मती उसकी वही रहेगी जो सारी दिन जिंदगी विषय भोग रहा, तो उसका उद्धार कैसे होगा फिर? आखिर में तो मती उसकी वही रहेगी, पर जबकि एक बार नाम नारायण लिया और शास्त्र ने बताया गया आपके द्वारा सुना उसकी वो इतने पाप नहीं कर सकता कि जितने एक नाम में शक्ति है, तो उसका उद्धार फिर कैसे होगा? और आखिर में मती उसकी रहेगी विषय में? वो जो नाम है ना अंतिम समय के लिए बताया गया, अंतिम समय के लिए बताया गया।